एक भाई घर वालों से लड़के लव मैरिज करके लड़की को घर लेकर आया, पर सुहाग रात पे उसे इतना बड़ा झटका लगा कि उसका दिमाग ही खराब हो गया। अब ये हुआ जी उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां पर एक बंदा एक लड़की से सोशल मीडिया पर मिला, मैसेज वैसेज हुए, प्यार व्यार हुआ और लड़का इतना बावला हो गया कि घर वालों से लड़ पड़ा जी शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। चलो जी घर वाले मान गए, शादी भी हो गई। पर जब सुहाग रात आई तो वो तो मैडम जी जो थी वो थोड़ा सा मतलब ड्रामे व्रामे करने लगी, नहीं जी ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो लड़के को आ गया गुस्सा, क्या ड्रामा कर रही है। तब पता चला लड़की ने बताया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं। अब यह सुनकर भाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हम इस चीज का पूरा सम्मान करते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई सारे केस हुए जब लड़कों ने अपनी मर्जी से किसी ट्रांसजेंडर से की हो शादी, पर इस केस में इस बंदे ने बताया कि मुझे लड़की ने यह बात पहले नहीं बताई थी और अब जब उस शादी को तोड़ना चाह रहा है तो लड़की उससे पैसे मांग रही है। अब यह सीधा चला गया पुलिस स्टेशन में, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब आप ही बताओ, ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है, उसे अधिकार है शादी करने का, लेकिन क्या शादी से पहले उसे अपने बारे में सारी चीजें सच सच सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए थी? कमेंट में जरूर।